हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अक्सर जाते हैं, तो वहाँ सीना ठोक के कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश से आया हूँ। 150 सांसदों का निलंबन, जब बाहर जाओगे मोदी जी किस मुंह से कहोगे कि लोकतंत्र की जननी के देश से आया हूँ। तमाम चीजों पे पाबंदियां लगाना चाहती हैं, सड़कें जाग उठेंगी, सड़कों पे निलंबन का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए। हमारे सीनियर साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं, बस एक बात कहूंगा, चूंकि नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, कई वर्ष इस गणतंत्र के आपके समक्ष, इस गणतंत्र के अच्छे क्षण के ये गवाह है, और इस गणतंत्र में जो विसंगतियां आई हैं उसके भी गवाह हैं। तो ये मैं आरंभिक टिप्पणी, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस का कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे उनकी दिल्ली कमेटी ने, दिल्ली यूनिट ने ये मीटिंग बुलाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सबों का और मीडिया के साथियों का। साथियों, लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपका माइक, आपका चैनल, आपका संवाद भी नहीं बचेगा। इसलिए इस खतरे को आप भी समझिए। जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ हम निलंबित सांसदों की नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अक्सर जाते हैं, तो वहां सीना ठोक के कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश से आया हूं। 150 सांसदों का निलंबन, जब बाहर जाओगे मोदी जी किस मुंह से कहोगे कि लोकतंत्र की जननी के देश से आया हूं। आपने तो मां को बीमार कर दिया, मां बेचारी रुग्णावस्था में है, मां इंटेंसिव केयर यूनिट में है। तो ये लड़ाई महज सांसदों के अधिकार की नहीं है। वो इमारत जिसे संसद कहते हैं, 800 लोग बैठते हैं, वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, मदुरई से मध्य प्रदेश, अगर उसकी सुरक्षा में चूक है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कश्मीर का मसला हो, हमने तब भी कहा था, मैं श्रद्धांजलि देता हूं राजौरी में शहीद लोगों की, लेकिन तब भी कहा था कि आप कश्मीर की नॉर्मेलिटी दिल्ली के दरबार से बोलते हैं, कश्मीर नॉर्मल फील नहीं कर रहा है, आप पूरे देश को कश्मीर में तब्दील करना चाहते हैं, तमाम चीजों पे पाबंदियां लगाना चाहती हैं, सड़कें जाग उठेंगी, सड़कों पे निलंबन का आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है जो मुझे कह दे कि सड़क पे तूफान ना मचाओ। मैं लालू जी की ओर से, तेजस्वी जी की ओर से एकजुटता का आह्वान करता हूं, जय हिंद।